नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग हरदोई। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अलका मिश्रा ने महिलाओं को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अलका मिश्रा ने मल्लाम विकास खंड कार्यालय पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.5 साल में जो विकास किया है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए किया है। आज तक जितनी भी सरकारें चाहे केंद्र में हो रही हो या उत्तर प्रदेश में हो रही, महिलाओं के विकास के लिए विषय में कभी किसी ने नहीं सोचा। हमारे प्रधानमंत्री ने मकान की रजिस्ट्री में 50% महिलाओं को लाभ दिया है। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया। राशन कार्ड में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। आवास भी महिलाओं के नाम दिया। इसलिए हम महिलाओं को फर्ज बनता है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। हम परिवार बनाते हैं, हम देश बनाते हैं और हम समाज बनाते हैं और हमारी उत्पत्ति ही इससे हुई है कि सृष्टि के निर्माण में हम बहुत बड़े सहायक हैं। जब हम सृष्टि के निर्माण में सहायक हैं, हम सृष्टि के निर्माण में रच बन सकते हैं, हम देश के भी बहुत सहायक बन सकते हैं और देश के हित में राष्ट्र हित में काम कर सकते हैं, क्योंकि आधी आबादी हमारी है, हम महिलाओं की आधी आबादी है और हम डिसीजन मेकिंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, उनके लिए इतने सारे काम किया, इतने एजेंडे लाए हुए हैं, तो हमें जो 2019 का हमारा जो मिशन है जिसका बिगुल बन चुका है, ये युग परिवर्तन चुनाव हो रहा है। बहुत बड़ा चुनाव 2019 का होने जा रहा है जो युग परिवर्तन चुनाव है। बहुत से ऐसे चुनाव होते हैं, बहुत से ऐसे युद्ध होते हैं जो युग परिवर्तन युद्ध होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा जो है पीछे भी जाए, अगर हम हिस्ट्री स्पीच में जाए, तो एक पानीपत का युद्ध पहले कभी हुआ करता था। पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें 3 सेनाएं एक साथ लड़ी थी और जब 3 सेनाएं एक साथ लड़ी तो मराठों के बीच में, चूंकि वो युद्ध मराठों और मुगलों के बीच में हुआ था, तो हमारे वीर शिवाजी के जोड़ना चाहती है सरकार, उनके लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है और उनको आगे बढ़ाने का बहुत सारे एजेंडे लाई हुई है। उस एजेंडे को लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं, क्योंकि जो माँ होती है, जो महिला होती है, वो माँ होती है, वो जननी होती है, वो श्रेष्ठा होती है और महिला का जो सम्मान होता है वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। भारत सरकार में, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर सम्मान दिया है तो महिलाओं को सम्मान दिया है। नारी सशक्तिकरण पे सबसे ज्यादा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, क्योंकि हम जननी हैं, हम सृष्टि के निर्माण में बहुत बड़े सहायक हैं, हम माँ हैं, हम बहुत बड़ा काम करते हैं, हम बहुत बड़े दायित्व का हमेशा निभाते रहते हैं। और हम अपने कार्यक्रम के शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय शांत प्रारंभ करते हैं।